नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है वक्फ बोर्ड का। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के नाम पर इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा जमीन जो है किसी के पास है वो है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज़मीनें हैं और उसको किस तरह से सरकार देख रही है, इस पर कुछ फैसला आने वाला है। ये फैसला किस तरह का होगा, क्या है इसके पूरे मामले, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो ज़मीन दी गई है वो किस शर्त में दी गई थी और कैसे उसको सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। हमारे साथ में नए मेहमान दयानंद नेने जी और तथ्य साहब तो हैं ही हमारे, तो हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो है ज़मीनें किस तरह दी गई थी और सरकार अब इस पर क्या करने वाली है। नेने साहब, रिजोल्यूशन क्या? यस नेने साहब, आपके आपसे सवाल मैं करता हूं कि ये वक्फ बोर्ड को मामला जो है पूरे देश में एक गंभीर मामला माना जाता है कि जो ज़मीनें दी गई थी एक शर्त में कुछ दी गई थी, लेकिन इतनी ज़मीनें दी गई थी जो हर किसी को पता भी नहीं है, क्या कहेंगे इस पर पूरा मामला? आज आप समाज ये करो, मैं वो जनता के अदालत, आपके अदालत में जैसा वो जज रहता है कि खाली देखता रहता है, वैसा मैं देखूंगा। कुछ सवाल होंगे तो ये पूछेंगे, नहीं तो आज आपने मराठी में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, बस उसका ही हिंदी अनुवाद दे दीजिए हमको। नमस्ते, वंदे मातरम। देखिए, वक्फ ये वर्ड जो है, शब्द जो है, उसका सबसे पहले हम सब ने और अपने दर्शकों ने अर्थ क्या है उसका ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि एक कुछ इशू का बवाल खड़ा हो जाता है और हवे की तरह सब जगह पे वो फैलाया जाता है। लोग उसके ऊपर गलत, सही, उल्टी सुलटी टिप्पणियाँ करना चालू होती है। तो वक्फ मतलब क्या? तो धार्मिक काम के लिए, धार्मिक हेतु से मूवेबल और इमूवेबल, जिसको मराठी में हम स्थावर और जंगम कहते हैं, ऐसी संपत्ति उसको वक्फ कहते हैं। अभी ये वक्फ जो शब्द है या वक्फ का जो कायदा है या वक्फ की जो क्या बोलते हैं पद्धत है, वो कुछ नई पद्धत आई हुई है ऐसे नहीं है। वो मतलब इस्लाम की जब स्थापना हुई जी, तब से मोहम्मद पैगंबर साहब के ज़माने से शुरू हुई ये एक रूढ़ी है, रिचुअल है, एक प्रथा है। उस वक्त क्या होता था, धर्म का प्रसार करते करते पैसे कम पड़ते होंगे या तो साधन कम पड़ते होंगे, तो पैगंबर साहब ने कहा होगा या कहा है कि अब उस वक्त के जो श्रीमंत लोग थे, अमीर लोग थे, कि उन अपने संपत्ति में से कुछ हिस्सा आप धर्म के कार्य के लिए बाजू में चैरिटी के लिए वक्फ को दे दो। तब से चालू हो गई है रूढ़ी। ये उस वक्त मुगल, उसके बाद में मुगल आए भारत में, तभी भी ये रूढ़ी चालू थी। बाद में ब्रिटिश आए, तभी भी ये रूढ़ी चालू ही थी। और स्वतंत्र देश स्वतंत्र होने के पहले उस वक्त का जो भारत था, जैसे अलग 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 राज्य थे, तो सभी में देश भर वक्फ की प्रॉपर्टी अस्तित्व में थी जी। तो ये कोई नया चीज़ आई है ऐसे नहीं है। स्वतंत्र भारत के बाद में जब कानून भारत के देश का बना, तो 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के सरकार ने जी वक्फ कायदा का ये चला शुरू किया, रुजू किया, वक्फ अमल में लाया, वक्फ बोर्ड एक्ट ये अमल में लाया कायदा उन्होंने। अभी क्या हो रहा है आजकल, एक थोड़ी फैशन हो गई है कि सारे बिल जो है जो भी पुरातन जमाने के है और जो अभी ये सरकार को गलत लगते हैं, उसका सारा बिल नेहरू जी के नाम पे फाड़ते हैं जी। तो वैसे ये वक्फ का भी जो भी है वो नेहरू जी के नाम पे बिल फाड़ रहे हैं, तो ऐसे नहीं है। वक्फ का जो ये था कायदा था वो 54 में ज़रूर शुरू हुआ, वो कायदे में उसके बाद में जो संशोधन हुए हैं, खास करके नरसिम्हा राव जी के समय में 1993 में, वो सबसे भयानक संशोधन थे। उसकी वजह से ये वक्फ बोर्ड को भयंकर इतने अधिकार मिले कि वो जो कहते हैं, वक्फ बोर्ड जो कहता है या वो जो निकाल देते हैं, जो डिसीजन देता है,
उसको देश के किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, ना आह्वान कर सकते हैं तुम, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उसके ऊपर मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये वर्क बोर्ड, हाँ, तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर का ये हो गया। ऐसे ये पूरा ये मामला है 1993 में जब नरसिंह राव थे, उन्होंने क्या किया, जब बाबरी मस्जिद जी गिराई गई तो उसके बाद में मुसलमान समाज से जो बड़ा बैकलैश आया था, तो उनको शांत करने के लिए उन्होंने ये एक पिल्लू छोड़ दिया, यानी उनको खुश करने के लिए, भाई शांत रहो, शांत रहो, फेवर में हम ये फैसला दे रहे हैं जी। और 2013 में जाते जाते मनमोहन सिंह की सरकार, चुनाव होने को 5 दिन थे, उसके पहले उन्होंने इसमें और तब्दीलियां की और कायदे जोड़ दिए, जहां पे मैंने जो बोला कि उनका जो डिसीजन आता है वक्फ बोर्ड का, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये जोड़ा गया जी। उससे आगे जाके मनमोहन सिंह सरकार ने एक बहुत ही क्या कहते हैं खतरनाक हरकत की, दिल्ली का लुटेंस एरिया जो बोलते हैं, प्राइम लोकेलिटी दिल्ली की जो है, उसके उस लोकेलिटी में से 123 प्रॉपर्टीज जो थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी उन्होंने, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने क्लेम की कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमें दे दो, तो उन्होंने दे दी 123 प्रॉपर्टी, मतलब उन्होंने कहा और उन्होंने दे दिया, उन्होंने दे दिया जी। ये पूरा वोट बैंक पॉलिटिक्स जो था, इसकी वजह से ये किया गया उनकी तरफ से, उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने उस वक्त एक जब ये चला केस चला, उसके बाद में एक निर्णय दिया कि ये 123 प्रॉपर्टी जो दी गई है वो क्यों दी गई, किस हालत में दी गई, उसकी वजह क्या है, इसकी एक जांच होनी चाहिए, और जांच करके उसका एक रिपोर्ट सबके सामने आना चाहिए। आदेश आया, उसके ऊपर कुछ जांच वगैरह आगे चल के मूवमेंट कुछ हुआ ही नहीं था। अभी उसके बाद में ऐसी वारदात नहीं हुआ था, मगर 14 और 24 के बीच में तो मोदी सरकार नहीं, भाई मैं कह रहा हूँ, अब उसके बाद में कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में और केरला में भी ऐसी वारदातें होती गई, जहाँ पे वक्फ बोर्ड क्लेम करती है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमें चाहिए, और वो देनी पड़ती है। इतने हद तक के 4 दिन पहले या लास्ट वीक में मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर के बीच में एक प्रॉपर्टी थी, ग्राउंड था बड़ा, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारा ग्राउंड है, हम ले रहे करके, उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वक्फ बोर्ड ने उधर जाके 3 बोर्ड लगा दिए कि प्रॉपर्टी हमारी है, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूट। तो ये सारे बैकग्राउंड पे, हिंदुत्ववादी सरकार है ना, ये सारे बैकग्राउंड पे ये मोदी सरकार ने कल की कैबिनेट मीटिंग जो थी उसमें वक्फ का जो कायदा है उसमें सुधार करने के लिए, संशोधन करने की पूरा की अमेंडमेंट बिल लाएंगे, ऐसा एक रेजोल्यूशन पास किया है। और ऐसे लग रहा है लोग तो 5 तारीख मतलब कल की तारीख ही बोल रहे हैं कि ये बिल पार्लियामेंट में आएगा, पर मुझे कल आएगा ऐसे नहीं लग रहा है, क्योंकि कल का जो उनका लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसमें ये था नहीं। मेरे हिसाब से 7 तारीख का ये आ सकता है ये जी, और फिर उसके ऊपर पार्लियामेंट में जो होना है होगा। मैं आपको सबको अपने दर्शकों के जानकारी के लिए, ये वक्फ बोर्ड जो एक्ट है वो इतना भयानक कितना है ये बताना चाहता हूँ, चंद चीजें आप सबके जानकारी के लिए देना चाहता हूं, जानकारी होनी बहुत जरूरी है। वक्फ का जो एक्ट है उसमें 1993 की जो अमेंडमेंट आ गई उसको वक्फ एक्ट वैलिडेशन करके, वक्फ वैलिडेशन एक्ट बोलते हैं उसको। उस एक्ट के तहत एक परिषद तैयार की गई, समिति, जो ये पूरे वक्फ का ये क्या बोलते हैं बोर्ड चलाएगी। जो वक्फ का मिनिस्टर रहेगा केंद्र का, वो उसका अध्यक्ष होता है, उसमें 20 सदस्य होते हैं। एज पर द एक्ट ये 20 के 20 सदस्य मुस्लिम होंगे, ऐसे उन्होंने ये किया हुआ है। वक्फ एक्ट कोई भी प्रॉपर्टी को, ये हमारी प्रॉपर्टी है हमें चाहिए करके मांग सकती है, और वो देनी पड़ती है। और उनके पास डॉक्यूमेंट रहेगा नहीं तो भी वो दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट जो भी है वो बताते हैं, वो उस तहत उनको ये देना पड़ता है। एक बार प्रॉपर्टी को वक्फ के हाथ में आपने दे दिया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते, ये और एक भयानक उसमें ये है। तो जो अभी जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये एक्ट इसके लिए ये करने वाले हैं कि ये प्रॉपर्टी हम वापस ले लेंगे, तो जो गया है वो गया है, वो वापस नहीं आने वाला, ये
सबसे पहले मन में से निकाल दो कि इसकी वजह से प्रॉपर्टी वापस आएगी, प्रॉपर्टी नहीं वापस आने वाली है। अभी कितनी प्रॉपर्टी है वक्त के पास, तो अपने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी डिफेंस लैंड है जी, और रेलवे लैंड है। रेलवे का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, तो उसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और डिफेंस की भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। उनकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी ही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है देश में, यानी जितना उन दोनों का मिला के है। नहीं, मिला के नहीं, मतलब जो भी है उनकी जितनी है में वो आते हैं, तो उतनी ही प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास भी है। एंड वो सबसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट किसी की प्रॉपर्टी अगर होगी तो वक्फ में, क्योंकि ये दोनों गवर्नमेंट है बॉडी, रेलवे बोलो या डिफेंस, इट इज गवर्नमेंट, तो प्राइवेट इसमें इट इज द वक्फ बोर्ड विच इज हैविंग द लार्जेस्ट चंक ऑफ लैंड इन इंडिया। इनका इस्तेमाल क्या करती है वक्फ बोर्ड, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये धर्म के कार्य के लिए प्रॉपर्टी जमा की जाती है, और वो मूवेबल भी होती है, इमूवेबल भी होती है। सिर्फ लैंड मतलब जगह नहीं, वो पैसा भी लेते हैं जो भी है। इमूवेबल भी चीज, मूवेबल चीज़ें जी है जो है, जैसे तुम्हारे किसी के पास समझो स्टार्टिंग फ्रॉम ए कार, जो भी मूवेबल चीज़ें है सारी के सारी वो वक्फे नामे आप डोनेट कर सकते हो। तो ये क्या करते हैं, मतलब उनका जो ओरिजिनल थॉट, जो उसके वक्फ पीछे जो विचार था, वो जमात खाने वो खोलते थे, दवा खाने खोलते थे पुराने ज़माने में, हकीमों को मदद करते थे कि गरीबों की सेवा करने के लिए, उनको अगर साधन दे चाहिए तो वो सब सामाजिक सेवा के सामने, सामाजिक सेवा में चैरिटी, तो चैरिटी, तो चैरिटी इज सपोज टू बी द मेन प्रिंसिपल बिहाइंड वक्फ बोर्ड जी। अभी पॉलिटिसाइज ये इशू जब हो जाता है, तब तरह तरह की बातें आ जाती है, तरह तरह के एलिगेशन हो सब होते हैं, तो वो एलिगेशन सब छोड़ दो। उनका जो क्या कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस जो है एक्ट की, वो अच्छी ही है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा जी। पर ये जो बाकी की जो पावर्स उनको मिली हुई है, मतलब अगर मैं एक गांव में मेरी प्रॉपर्टी है और उसके आजू बाजू में वक्फ की प्रॉपर्टियां है और मुझे मेरी प्रॉपर्टी बेचनी है, तो मुझे वो वक्फ बोर्ड से एनओसी लेनी पड़ती है, और वो कह सकते हैं कि तुमको बेचनी है तो हमको बेचो, तुम दूसरों को नहीं बेचने की करके। तो ये दूसरी बात, एक बार उन्होंने डिसीजन दे दिया कोई भी, तो वो डिसीजन भारत के छोटे से छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, किसी भी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, आप उसके जाके यू नो न्याय नहीं मांग सकते उधर, मतलब इनडायरेक्टली या अपने कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल वक्फ बोर्ड है। तो ये सब चीजों की वजह से केंद्र सरकार अभी जो वक्फ कायदे में सुधार करना चाहती है वो ला रही है। उसका मेन कारण एक ही है कि जो तकरारें आ रही थी खास करके गत 5 साल में कि मतलब उठपटांग तरीके से ये प्रॉपर्टियां कब्जे में ले रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले और हासिल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर एक थोड़ा अंकुश लगावे। कोई भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र वक्फ बोर्ड के पहले एक बीच में कोच, तो क्या बोलते हैं बोर्ड या एक कोई अथॉरिटी ऐसी पैदा करे कि जो उसकी जांच करे कि ये प्रॉपर्टी असल में किसकी है और फिर ही उसको दे। तो ये सब चीज़ों के लिए ये बीच में उन्होंने ये कायदे में सुधार करने का अभी तय किया हुआ है। लेकिन सुधार करने जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ विरोध प्रदर्शन काफी कुछ झेलना होगा देश में, और ऐसे और इस समय जो है इसकी वो मोदी जी की जो है उस मजबूती से नहीं है कि जो 2014-2019 में, ये तो इनको पहले ही करना चाहिए था जब वो पास हुए थे। क्या लगता है आपको ये हो जाएगा? देखिए ऐसा है, उसमें गत 5 साल में जब CA लाया कानून उन्होंने, तो पार्लियामेंट में तो उन्होंने पास किया, ये भी पास कर सकते हैं क्योंकि लोकसभा में मेजॉरिटी है, राज्यसभा में भी लगभग मेजॉरिटी है, तो वो पास हो जाएगा। पर मुझे जो डर है कि इस बार ऑपोजिशन की संख्या लोकसभा में ज़्यादा होने की वजह से ये जब भी बिल लाया जाएगा, ये बिल पे डिस्कशन ही करने नहीं देंगे, हंगामा मचा देंगे पार्लियामेंट में। और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, क्योंकि वक्फ का कायदा पूरे देश में ब्रोक की प्रॉपर्टी है हर जगह पे, 300 ये बोर्ड है, हाँ 32 बोर्ड है देश भर, हाँ वक्फ के, तो हर राज्य में वो दंगा मचाने की कोशिश करेंगे। और ये मामला सिर्फ वक्फ का में सुधार करना या नहीं करना यहाँ से सीमित नहीं रहेगा, जातीय दंगे भी हो सकते हैं देश में।
लेकिन नैनी साहब इसके पहले 370 के ऊपर भी बीजेपी ने काम किया, अयोध्या बाबरी मस्जिद का भी मामला था उसको भी सटाया, लेकिन हंगामा तो उस समय भी हो सकता था, लेकिन काफी कुछ चीजें जो है लेकिन काफी कुछ चीजें जो है नहीं, बात तो दंगे हुए ना देश भर में, नहीं अभी जो हुआ जो मंदिर का, नहीं आप सीए का देखो जी, पहला 370 कलम जो हटाया तो 370 के बारे में भारत ने मेरे हिसाब से मेजॉरिटी 80% लोग तो होंगे जिनको चाहिए था कि 370 हट जाए, और वो 80% सिर्फ जनता ही नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज में किसी भी 80% पार्टियों को चाहिए था कि हट जाए जी करके उसको ज्यादा उनको ये नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला अपोजिशन को, नहीं उसके बाद में सीएए लाया, सीएए के लिए उन्होंने शाहीन बाग का कितना बड़ा हंगामा किया, उसके बाद में किसान के जो बिल थे 3 वो लाए, उसके लिए तो किसानों ने एक पूरा साल तक झगड़ा किया उसके, और उसको वापस लेना पड़ा, और वापस लेना पड़ा जी। आप जो बोल रहे हो कि आपने जो अभी पूछा कि ये पहले क्यों नहीं किया, तो 2019 में पहले अगस्त में 370 पीछे लिया, दिसंबर में सीए लाए, फरवरी में क्या बोलते हैं फार्मर्स बिल लाए, बाद में कोविड आया, तो 20 से लेके 21 एंड तक तो कोविड ही चलता रहा, तो मतलब कुछ करने का संभव ही नहीं, यूनिफॉर्म बिल भी था, नहीं यूनिफॉर्म बिल आया ही नहीं अभी तक, तो वो भी चर्चा तो हुई ना, नहीं वो चर्चा बिल्कुल नहीं हुई अभी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कहना क्या चाहता हूं कि 2022 तक कोविड के आफ्टर इफेक्ट चलते रहे, सीए का इतना बड़ा आंदोलन हुआ कि सरकार ने कोर्ट को कहा कि हम 2024 तक उसको स्थगित करते हैं, हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, फार्मर बिल 2023 में वापस लेने पड़े उनको, तो उस स्थिति में ये वापस एक नया कुछ लेके आने का और फिर एक नया बखेड़ा खड़े करने का, क्योंकि फिर बाद में राम मंदिर का निर्माण का जो विषय था, तो उसके लिए मेरे हिसाब से उस वक्त मोदी सरकार काफी कॉन्फिडेंट थी कि हमें तीसरी टर्म मिलेगी और बड़ी मेजोरिटी से हम वापस आएंगे, तो ये शायद अगली टर्म में करे करके उन्होंने उस वक्त ये हाथ नहीं लगाया होगा इसको। आप जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात चल रही है, अभी तक मोदी सरकार पार्लियामेंट में वो बिल लेके नहीं आई है, अभी कब लाएगी ये वही सरकार ही बता सकती है, पर अभी स्थिति जो ऐसी मौजूदा स्थिति में आने वाले, मतलब अगर उन्होंने बिल परसों में लाया तो आने वाला एक महीना मुझे बहुत कठिन परिस्थिति देश भर उभी रही है। इसमें क्या भाजपा इसमें राजनीति अपना फायदा देख रही है या कुछ और ऐसे पीछे मकसद, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला तो ये तो इतिहास देखेंगे तो बहुत पुराना है ये मामला, ये और जो कानून संशोधन जो आप बता रहे हैं कि 93 में हुआ था उसके बाद से इसमें किसी ने अमल नहीं किया, और आज मोदी सरकार जो है इसको अमल करना चाहती है, इसको बिल ठीक करना चाहती है, तो क्या लगता है इसमें कोई राजनीतिक फायदा है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें 1993 में पहला संशोधन किया जिसकी वजह से उनको पावर्स उनकी बढ़ाई, उसके बाद में 2013 में वो पावर्स और ज्यादा बढ़ा दी जी, तो उसके बाद का ये वापस देखा है तो कांग्रेस ने लगातार इसको पावर दिया क्योंकि उनको मुस्लिम वोट पूरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी बीजेपी क्या चाहती है कि अगर इसमें कुछ भी करेंगे तो हंगामा होगा, तो उस हंगामे का फायदा किसको, बीजेपी को होगा ऐसा लगता है आपको, क्योंकि अभी चुनाव भी है महाराष्ट्र में सही चार प्रदेश में चुनाव है। अगर आप दूसरे बाजू से मामले को देखें जी, तो मुझे नहीं लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए कर रही है, ये परिस्थिति को सुधारना तो है ही, चाहिए ही, जरूरत ही है, क्योंकि ये जमीनें किसी प्राइवेट नहीं है, ये जमीनें सरकारी जमीनें हैं सब। नहीं नहीं, किसी भी की जमीन ले सकते हो, कल को आपका घर घर भी बोले आपका घर बोले बोल सकते हो हमारा है करके और ले सकते हैं, जो चेंबूर में ली जगह वो ग्राउंड था वो हमारा है बोला उन्होंने, नहीं ग्राउंड तो सरकारी होती है। अरे भैया, पर जो सरकारी ग्राउंड अपन एग्जाम्पल के तौर पर पकड़ सकते हैं, सरकार का है तो सरकार का अगर है तो उन्होंने मांगना नहीं चाहिए, कल उठ के रेलवे की लैंड बोलेंगे हमारी है, हमारे बाप दादा यहाँ पे रहते थे, तो ऐसे नहीं हो, मतलब तो ये तो चीज को सुधारना तो जरूरी है। बीजेपी संशोधन क्या करेगी इसमें ये बताइए, देखिए क्योंकि जमीनें जो आ गई है तो वापस जाएगी नहीं, सुनिए 40 संशोधन उन्होंने वहां पे सजेस्ट किए हैं, ऐसे ये है वो एग्जैक्ट 40 संशोधन क्या है ये मालूम नहीं पड़े, कल ही रेजोल्यूशन पास हुआ ऐसी न्यूज आई है, जिसकी वजह से आज पूरे देश में
चर्चा हो रही है विषय पे और अपन भी उसके लिए चर्चा कर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बिल आने दो, वो बिल में क्या क्या लिखते हैं वो सब ध्यान में आएगा। तो एग्जैक्टली बीजेपी क्या करना चाहती है ये अपने को मालूम पड़ेगा। आज हम बात करेंगे तो किसी को कुछ मालूम नहीं है। इसमें कांग्रेस ने आक्षेप लिया है कि जो बिल आप पेश करने जा रहे हैं तो जनरली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सर्कुलेट किया जाता है ड्राफ्ट बिल जी, तो आपने वो क्यों नहीं किया है, आप डायरेक्ट क्यों पेश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है, उन्होंने कल रेजोल्यूशन पास किया है कि ऐसा बिल लाना है। अभी तक लिस्ट ऑफ बिजनेस में 5 तारीख या 6 तारीख में वो है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 7 तारीख को आ सकता है। तो अगर वो 7 को लाने वाले होंगे तो उसके पहले ड्राफ्ट बिल सर्कुलेट हो जाएगा, तो कल भी कर सकते हैं। कल भी कर सकते हैं। सर आपसे मैं आखिरी सवाल करूंगा, सत्य सब आपसे, आपने कुछ बोला नहीं इसके ऊपर, आपकी क्या मनस्थिति है इसके ऊपर, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए एक्चुअली? सर इसमें मैं विदाउट एनी प्रेजुडाइस ऐसा बोलना चाहूँगा कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें वगैरह हमने मामला लिया है, उनके प्रॉपर्टीज़ का मामला लिया है, पर हमारे मंदिरों के तलघर में पुराने मंदिरों के अब्जावधि रुपये मतलब कुछ लाख करोड़ का पैसा भी पड़ा हुआ है, धन पड़ा हुआ है, उनकी भी ज़मीनें हैं, उसका भी विवाद चल रहा है। तो इसके साथ साथ एक सभी धर्म, चर्च से लेके मंदिर से लेके बौद्ध विहार से लेके सभी धर्मों के लिए ये इसी प्रकार का प्रावधान, क्योंकि मैं सोचता हूँ, ये बोलना शायद किसी कुछ लोगों को गलत लगेगा, कि वक्फ बोर्ड रेलवे और क्या बोले डिफेंस इसकी ज़मीनों का और प्रॉपर्टीज़ का हमने हिसाब लगाया है, मगर मूवेबल प्रॉपर्टी शायद हो सकता है कि हमारे देश के जो मंदिर हैं उसमें इनसे 100 गुना होगी वक्फ बोर्ड से। इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इतनी ही, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, तो वो उनको भी कानून में लाना चाहिए, उनकी भी जमीन एक करनी चाहिए। देखो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करके जो है उस तहत भारत के जितने भी हिंदू मंदिर है उसके ऊपर कंट्रोल सरकार का रहता है जी, लेकिन इससे वक्फ बोर्ड पे नहीं है ना। मैं वही कहता हूँ, सिर्फ मुसलमान जो ये है एरियाज ऑफ वर्शिपिंग है उसके ऊपर वक्फ बोर्ड का ये रहता है। तो वो वक्फ बोर्ड का क्या बिल है और वो क्या सरकार करना चाहती है अपने को मालूम पड़ेगा, पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी सुधार करना ज़रूरी है। और ये जो सरकारी कंट्रोल के अंडर है जो हिंदू मंदिर है तो उसको सरकारी कंट्रोल से बाहर निकाल के उनके जो जो क्या बोलते हर एक प्रतिष्ठान होते हैं हर एक मंदिर के जो वो मंदिर की देखभाल करते हैं तो उनके हाथ में वो दे देना चाहिए। सर वो फिर लोकल मंदिर का एक एक वक्फ बोर्ड ही हो गया एक तरह से, मंदिर बोर्ड हो गए, उनको अगर स्वायत्तता देते हैं तो जमीनों का दुरुपयोग भी। मैं आपको महाराष्ट्र के श्रद्धा स्थान जो है वहाँ पे तो बोलते 200 करोड़ का काफला हुआ, 10 करोड़। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जो न्यूज़पेपर में काफ़ी चर्चा में था यह विषय 3-4 साल से, कि आंध्र प्रदेश में जो बालाजी टेम्पल है तो उसके जो मुखिया थे वो क्रिश्चियन थे। तो बालाजी टेम्पल अगर हिंदू लोगों का सबसे बड़ा श्रद्धा स्थान में से एक है देश का, और उसका मुखिया मतलब उसका जो समिति होगी उसका देखभाल करने वाला मुखिया सरकार ने तो ये तो उन्होंने सोचा नहीं होगा हम क्रिश्चियन को अपॉइंट करें, क्योंकि मुख्यमंत्री भी क्रिश्चियन था। यहाँ जातिवाद धर्मवाद तो बहुत पूरे देश में चलता ही रहता है, जिसकी लाठी बड़ी बात है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वक्फ बोर्ड के साथ साथ मंदिर का भी कोई विधेयक लाना चाहिए, साथ साथ मत लाओ, बाद में लाओ चलेगा, मगर ये बहुत डायनासोर जैसा लगता है मुझे। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स हमारा चर्चा आज था यही कि वक्फ बोर्ड के ऊपर जो सरकार डिसीजन ले सकती है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी जो है उसका देखभाल तो वक्फ बोर्ड करती है, लेकिन उसमें जो कंडीशंस है काफ़ी खतरनाक है जो कि हमारे देश की सही नहीं है, उसको बीजेपी कुछ संशोधन करने जा रही है, देखते हैं संशोधन में क्या क्या निकलता है। फिलहाल जो है मैं इसमें आपके वाक्य में एक संशोधन मैं करता हूँ, बीजेपी करने जा रही है ऐसे मत कहिए, सरकार करने जा रही है। तो बीजेपी सरकार है तो सरकार और बीजेपी इंडिया की सरकार है नहीं, क्या होता है ऐसी वजह से ये मतलब सही भी बीजेपी और गलत सब कुछ बीजेपी ऐसे जो हो जाता है, इसके लिए मैं करेक्ट किया है कि भारतीय सरकार ये करने जा रही है। और उसमें भारत सरकार इस पर जो है पूरा नीतीश कुमार और तुम्हारा चंद्रा बाबू नायडू भी शामिल है, जो एनडीए में है सबको शामिल तो होना ही पड़ेगा। फिलहाल डिसीजन तो एनडीए का है तो सरकार का है तो शामिल ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे वक्फ बोर्ड के ऊपर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।